हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ पार्टी मेकअप शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैंने ग्रीन स्मोकी आई मेकअप लुक क्रिएट किया है, क्योंकि मेरे क्लाइंट का आउटफिट ग्रीन कलर का था इस वजह से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्किन को प्रेप करने से। प्रेप करने के लिए यहाँ पर मैं सिरम यूज़ कर रही हूँ, जो कि गुड वाइब्स का है। अब इसे क्या करूँगी, मैं अपने हैंड पे लूँगी और कुछ इस तरीके से अप्लाई करूँगी। मसाज करते हुए अप्लाई करना सिरम को कभी भी। देन लैक्मे का मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ, पीच मिंट मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ। इसे ना मैं अपने क्लाइंट के फेस में अच्छे अमाउंट पर अप्लाई करूँगी, कुछ इस तरीके से। मॉइस्चराइजर को कभी भी मसाज करते हुए फेस पर अप्लाई करना। इससे क्या होता है, फेस अच्छे से नरिश भी हो जाता है और मॉइस्चराइजर से मसाज भी हो जाती है फेस की अच्छे से। लैक्मे का ये पीच मिंट मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा है गाइस, ये ऑल स्किन टाइप मॉइस्चराइजर है। अगर आप ऐसा मॉइस्चराइजर ढूंढ रहे हैं जो ऑल स्किन टाइप है, तो आप ये वाला मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं। ये ऑयली स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा है और ड्राई स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो ये मॉइस्चराइजर मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देन मैं क्या करूँगी, आई बेस कर रही हूँ। आई बेस के लिए मैं लाइटर शेड का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, यानी कि मैं आइवरी यूज़ कर रही हूँ। आई बेस के लिए कभी भी हमेशा हमें लाइट टोन का कंसीलर यूज़ करना चाहिए। ये थोड़ा आइवरी वाइट टोन में आता है, इसलिए वाला कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। जो हम नॉर्मली हाइलाइटिंग के लिए कंसीलर यूज़ करते हैं, आप वाला कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं एज अ आई बेस। देन इसको क्या करूँगी, फ्लैट ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूँगी पूरी आईलेट पर। अच्छे से अप्लाई करिएगा और ब्रश की हेल्प से ही ब्लेंड करने की कोशिश करिएगा। देन क्या करूँगी, मैं ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करूँगी। कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लीजिएगा, वरना हमारा आई शेडो है ना, वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा और जो परफेक्ट लुक भी नहीं देगा हमारा आई मेकअप का। इसलिए आपको कंसीलर को ब्लेंड करना बहुत ही ज़रूरी है, अच्छे से करिएगा ब्लेंड। ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ हमेशा गीला करके ही यूज़ करिएगा, ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ मत करिएगा। आई बेस को सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो नॉर्मली लूज पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मेबलिन फिटमे का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करा है, जिसे मैं ब्रश की हेल्प से अपने क्लाइंट के आई बेस को सेट करूँगी। आई बेस को अच्छे से सेट कर लीजिएगा, इसी की हेल्प से ना हमारा आई शेडो प्रॉपरली ब्लेंड होगा। इस वजह से आई बेस को हमेशा सेट करना बहुत ज़रूरी होता है गाइस। देन स्टार्ट करते हैं आई मेकअप से। तो आई मेकअप के लिए मैं क्या करूँगी, ब्लैक काजल को हाफ लिड पर अप्लाई करूँगी, कुछ इस तरीके से। सिर्फ हाफ लिड पर अप्लाई करिएगा, थोड़ा थिक काजल लगाइएगा क्योंकि हमें उसमें बाद में स्मज आउट करना है। थोड़ा थिक ब्रश का यूज़ करिएगा यहाँ पर, क्योंकि ब्लेंड करने के लिए। क्योंकि क्या होता है ना, जो हमारा फ्लफी वाला ब्रश होता है ना, उसकी हेल्प से अच्छे से जो हमारा काजल है वो अच्छे से स्मज आउट नहीं होगा। इस वजह से थोड़ा ऐसा ब्रश यूज़ करिएगा, थोड़ा जो मोटा हो, हार्ड हो, उससे अच्छे से हमारा काजल स्मज आउट हो जाएगा। ग्रीन आई शेडो लूँगी, देन उसको है ना जहाँ जहाँ हमने स्मज आउट किया है ना, उसके क्लोज क्लोज अप्लाई करूँ ग्रीन शेडो को। और यहाँ मैंने ब्रश चेंज कर दिया, यहाँ पर मैंने फ्लफी ब्रश यूज़ कर लिया ब्लेंडिंग के लिए। इससे मैं अपने आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड कर पाऊँगी, इस वजह से मैंने ब्रश चेंज कर लिया है। और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिएगा, और जो हमने ब्लैक काजल का यूज़ किया था उसके क्लोज क्लोज इसे अप्लाई करिएगा। देन क्या करेंगे, यहाँ पर हम ट्रांजिशन लाइन के लिए ब्राउन आई शेडो लूँगी, जो कि लाइट ब्राउन शेडो को लूंगी मैं। और इसे क्या करूंगी, जहां मैंने ग्रीन कलर का यूज करना बंद कर दिया उसी के अराउंड में से अप्लाई करूंगी और उसको ब्लेंड करते जाऊंगी। यहाँ पर थोड़ा छोटा वाला ब्रश लीजिएगा, क्योंकि हमें ब्लेंडिंग करनी है अच्छे से। उसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद क्या होगा ना, जो हमारा जो आई मेकअप है ना, वो अच्छा दिखेगा अगर ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो। इस वजह से पेशेंटली अपने आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड करिएगा। उसके बाद क्या करना है, हमें सेकेंड जो आई लेड है उस पर भी सेम यही टेक्निक करनी है। पहले थिक काजल लगाएंगे, देन उसको स्मज आउट करेंगे, ग्रीन कलर का आई शेडो लेंगे, देन उसको लाइट ब्राउन कलर का आई शेडो लेकर ट्रांजिशन लाइन ड्रॉ करेंगे। सेम वही करना है जो हमने दूसरे आई लिड पे किया है गाइस। अगर आप चाहते हैं कि आपका आई मेकअप अच्छा दिखे, तो आप ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करिएगा। कुछ ब्लेंडिंग हम अच्छे से करेंगे ना, तो हमारा आई मेकअप वैसे ही अच्छा दिखता है। तो ब्लेंडिंग अच्छे से करोगे, पेशेंटली ब्लेंडिंग करते जाइए, ये जल्दीबाजी में मत करिएगा, आराम से करिएगा, तो आपका आई मेकअप बहुत अच्छा लगेगा। स्मोकी आई मेकअप में खासकर हमें ब्लेंडिंग की ही नीड पड़ती है, क्योंकि हमें इसमें अपना काजल को स्मज आउट करना पड़ता है, देन हमें इसे ना कलर आई शेडो लगाना पड़ता है। इसी के लिए हमें ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी होता है आई मेकअप को अच्छा करने के लिए। देन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बेस मेकअप की तरफ। बेस मेकअप के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ प्राइमर यूज़ करने वाली हूँ, जो कि कलर बार का है। देन मैं अपने क्लाइंट के फेस पे प्राइमर को अप्लाई करूँगी, डैब डैब करके मैं यहाँ प्राइमर को अप्लाई करूँगी। प्राइमर को हमें हमारे क्लाइंट की स्किन में अच्छे से बिठाना है, ताकि जो हमारा फाउंडेशन है वो अच्छे से ब्लेंड हो पाए। हमें मॉइस्चराइजर से इसे रब नहीं करना, हमें इसे बस इन्हें डैब डैब करके अपने स्किन में अच्छे से अब्जॉर्व करवाना है। देन आईब्रो को फिल करने के लिए मैं क्या करूँगी, मिस क्लेयर की आईब्रो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले क्या करूँगी, इसमें स्पूली दी गई है उसी में ना मैं अपने आईब्रो को कॉम करूँगी। देन मैं सबसे पहले लाइटर शेड का यूज़ करूँगी, लाइटर शेड से अपने स्टार्टिंग की आईब्रो को फिल करूँगी। देन आउटर पर जाते जाते मैं डार्क ब्लैक कलर का यूज़ करूँगी और अच्छे से आईब्रो को शेप देती जाऊँगी। आईब्रो को फिल करने के बाद उसे है ना स्पूली की हेल्प से एक बार कॉम जरूर कर लीजिएगा। इससे क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है ना वो इवनली स्प्रेड हो जाता है।
अब यहाँ पर मेरे क्लाइंट की स्किन थोड़ी पिंपल मार के उसमें, तो उसको कवर अप करने के लिए मैं यहाँ पर 303 का यूज़ करूँगी। बट अगर आप मेरी क्लाइंट के फेस में एक्टिव पिंपल होता, यानी कि नया नया पिंपल होता जिसमें रेड कलर की प्रॉब्लम दिखती वाला पिंपल होता, तो मैं यहाँ पर ग्रीन कंसीलर का यूज़ करती। बट इनके फेस पे बस मार के पिंपल के अभी, तो उसको कवर अप करने के मैं 303 का यूज़ कर रही हूँ। जहाँ जहाँ मुझे पिगमेंट लगेगी, जहाँ जहाँ मुझे डार्कनेस लगेगी, वहाँ वहाँ मैं 303 को अप्लाई करूँगी और इनकी ये जो स्किन टोन को ना वो थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करूँगी। अब नॉर्मली ब्रश की हेल्प से ना मैं इनके फेस में जहाँ जहाँ मुझे पिगमेंट दिख रहा है वहाँ वहाँ अप्लाई करूँगी। जैसे कि मैंने माउथ के अराउंड अप्लाई कर लिया है, अब मैं नोज़ के अराउंड भी थोड़ा अप्लाई करूँगी। और जहाँ जहाँ पिगमेंट है ना, जैसे कि इनके चिन के साइड में भी थोड़ा पिगमेंट लगा मुझे, और थोड़ा इनके पिंपल्स मार्क को भी मैं हाइड करने की कोशिश करूँगी। अगर हम 303 अप्लाई नहीं करेंगे तो डायरेक्टली हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो इनके पिगमेंट है ना वो दिखेंगे, तो वो कवर अप नहीं होगा इनका पिंपल। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेस मेकअप अच्छा हो, तो आपको अपने क्लाइंट की स्किन को अच्छे से है ना कवर अप करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ पिगमेंट लग रही है, जहाँ जहाँ नीड लग रही है, वो चीज़ को आपको छुपाना ही पड़ेगा कैसे भी करके। देन अच्छे से स्किन प्रेप ज़रूर कर लीजिएगा। अगर स्किन अच्छे से प्रेप नहीं होगी ना, तो गाइस क्या होगा, जो फाउंडेशन और जो कंसीलर हम अप्लाई कर रहे हैं ना, वो तो ब्लेंड होगा ही नहीं। तो इस वजह से अपने स्किन को अच्छे से प्रेप करिएगा, देन उसके बाद ही प्रोडक्ट लगाइएगा। इससे क्या होता है, अगर जो केमिकल होते हैं ना फाउंडेशन के, जो कंसीलर के केमिकल पार्ट होते हैं, वो हमारी स्किन में डायरेक्टली जाते हैं, तो हमारी स्किन को डैमेज कर देते हैं। इस वजह से स्किन को ज़रूर प्रेप कर लीजिएगा। इससे क्या होता है, हमारी स्किन अच्छी भी हो जाती है और सिक्योर भी हो जाती है केमिकल पार्ट से। तो ये चीज़ को खास कर ध्यान रखिएगा। अंडर आई पे भी मैं ना 303 को अप्लाई करूँगी, क्योंकि वहाँ पिगमेंट लग रहा है मुझे। उसके बाद मैं क्या करूँगी, अच्छे से इसे ब्लेंड करूँगी। अगर ज़्यादा आपको पिगमेंट है, ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का ब्लैकनेस है, तो आप है ना ऑरेंज कलर करेक्टर या रेड लिपस्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो ऑलमोस्ट कलर होता है ना वो हाइड हो जाता है। फाउंडेशन के लिए मैं FS22 शेड ले रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर पैच टेस्ट करने के बाद ही FS22 का शेड लिया है। फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं इनके फेस से फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। अच्छे से फाउंडेशन को अप्लाई करिएगा, कहीं पर छूट नहीं जाना चाहिए, पूरे फेस पर अच्छे से फाउंडेशन अप्लाई करिएगा। देन क्या करूँगी, मैं आईब्रो को डिफाइन भी करे जा रही हूँ मैं इस सेम फाउंडेशन की हेल्प से। इससे क्या होता है, जो आईब्रो होती है ना वो शार्प लुक देती है, तो इस वजह से मैं वहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। देन सेम ब्लेंडर का यूज़ करके मैं फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करने की कोशिश करूँगी। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती तो उसका भी आप रिप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कमी आ रही है आप मेरे वीडियो में ये भी बता सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हैं, आप मुझसे भेज दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं उन सवालों को जवाब देने की कोशिश कमेंट बॉक्स में करूँगी। अगर नहीं हो पाया तो मैं वीडियो में आपको बता दूँगी। देन क्या करना है, हमें फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लेना। अगर हम फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड नहीं करेंगे ना, तो हमारा फाउंडेशन पैचे लुक देगा, केकी लुक देगा। तो अगर हमारा जो फाउंडेशन ग्रे होने का रीज़न है, तो वो भी यही रीज़न है अगर हम अपने शेड के अकॉर्डिंग फाउंडेशन यूज़ नहीं करेंगे। तो अगर हम अपने शेड से लाइटर टोन का फाउंडेशन यूज़ करते हैं ना, उस केस में भी हमारा जो फाउंडेशन है ना वो ग्रे हो जाता है बहुत जल्दी। मोस्टली लोग मुझसे कमेंट करके यही पूछते हैं कि जो हमारा फाउंडेशन है वो फट जाता है। फटने का रीज़न यही होता है कि आप अपने स्किन को अच्छे से प्रेप नहीं कर रहे हो, और या तो आपकी स्किन अच्छे से स्क्रब नहीं है। आपको कभी भी मेकअप अप्लाई करने से पहले अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन कर लेना है। अगर आपकी स्किन में फेशियल हेयर है, तो आप उसको भी रिमूव करिए। देन अपने फेस को अच्छे से स्क्रब ज़रूर कर लीजिएगा। देन यहाँ पर मैं हाईलाइटिंग करने वाली हूँ। हाईलाइटिंग करने के लिए लाइटर शेड का कंसीलर यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैं स्विच ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। जहाँ जहाँ हाईलाइटिंग पार्ट है ना, वहाँ वहाँ मैं इसे अप्लाई करूँगी। मैंने फोरहेड पर अप्लाई करा, नोज पे अप्लाई करो, चिन पे अप्लाई करो, और थोड़ा अंडर आई पे कंसीलर को अप्लाई करा है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, सेम कॉम्पैक्ट की हेल्प से इनके फेस को सेट करने की कोशिश करूँगी। मेकअप को सेट करना बहुत ज़रूरी है गाइस। अगर हम मेकअप को अच्छे से सेट नहीं करेंगे ना, तो जो हमारा फाउंडेशन है ना वो जल्दी से ग्रे हो जाएगा, वो फटने लगेगा। तो इस वजह से फेस को अच्छे से सेट करिएगा। मैंने अंडर आई पे सबसे पहले सेट किया, देन मैं पूरे फेस को सेट करूँगी। गर्मियों का सीज़न आ गया है, तो गाइस इसमें ना हमें अपने फेस को अच्छे से सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पैक्ट लगाने की कोशिश करिए। देन यहाँ पर क्या करूँगी, शुगर की पैलेट यूज़ कर रही हूँ, जो कि 3-in-1 है। इसमें हमें 3 शेड मिल जाते हैं, कॉन्टोर का भी मिल जाता है, हाईलाइट का भी मिल जाता है, ब्लश का भी शेड मिल जाता है। तो इससे क्या करूँगी, कॉन्टोर को शेड लूँगी और अपने क्लाइंट के फेस में ना सॉफ्ट कॉन्टोरिंग करूँगी। फॉरहेड पर ज़रूर कॉन्टोरिंग कर लीजिएगा, इससे क्या होता है बहुत नेचुरल सा लुक लगता है। देन नोज़ को कॉन्टोर करने के लिए छोटा वाला ब्रश यूज़ कर रही हूँ मैं। देन सेम पैलेट में से ना ब्लश का शेड लूँगी, देन इसे चीक्स पे अप्लाई करूँगी कुछ इस तरीके से। अच्छे से ब्लेंड कर लीजिएगा ब्लश को, कहीं से पैची लुक नहीं देना चाहिए। थोड़ा सा ब्लश मैं चिन पे भी अप्लाई करूँगी, नोज़ पे भी अप्लाई करूँगी, और थोड़ा चीक्स पे अप्लाई करूँगी। देन काजल के लिए मैं सेम काजल यूज़ कर रही हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में करी थी, एलेटिन की काजल। उसे गए ना मैं वाटर लाइन पे अप्लाई करूँगी क्लाइंट के आइस पे। देन क्या करूँगी, यहाँ पर मैं ब्लैक शेडो ले रही हूँ। ब्लैक शेडो की हेल्प से मैं लोअर लैश लाइन के क्लोज पेंसिल ब्रश की हेल्प से स्मज आउट करने की कोशिश करूँगी। काजल को अच्छे से स्मज आउट कर लीजिएगा, इससे क्या होगा, स्मोकी लुक देगा अच्छा सा।
अब यहाँ पर मैं मेबलिन का क्लोसर मस्कारा यूज़ करूँ, जिसे मैं अच्छे अमाउंट पे अपने क्लाइंट के लैशेस पे अप्लाई करूँगी। दोनों लैशेस पे अच्छे से अप्लाई करिएगा, अपर और लोअर पे। लैशेस को अप्लाई करने के बाद क्या करना है, हमें यहाँ पर हाइलाइटर शेड को लूँगी जो कि शुगर की सेम पैलेट में से है। उसमें से मैं क्या करूँगी, छोटे वाले ब्रश की हेल्प से हाइलाइटिंग फीचर पर अप्लाई करूँगी। देन आईब्रो को भी हाईलाइट ज़रूर कर लीजिएगा, इससे क्या होगा, अच्छा लुक आएगा। आईब्रो को हाइलाइट करेंगे तो इससे क्या होता है, जो हमारे आई मेकअप है ना वो और अच्छा दिखने लगता है। तो लिपस्टिक के लिए यहाँ पर न्यू शेड की लिपस्टिक यूज़ करी जो कि लैक्मे की है। तो लिपस्टिक लगाने से पहले मैं ना इनके लिप्स पे लिप बाम ज़रूर अप्लाई करूँगी, देन लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। तो ये रहा गाइस फाइनल लुक। अगर आपके क्लाइंट का आउटफिट कुछ और कलर का, यानी कि रेड कलर का है, तो आप रेड स्मोकी आई मेकअप लुक भी कर सकते हैं। आपके क्लाइंट के आउटफिट के अकॉर्डिंग आप आई मेकअप करिएगा कभी भी। आई होप आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा ये मेकअप लुक मैंने कैसे अचीव किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो ना, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था और आपको मेरी वीडियो देखना अच्छा लगता है कि नहीं। मिलते हैं गाइस मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।